चलो ईद बहुत बढ़िया हो गया कि अपने गांव में ही कोई मजिस्ट्रेट आ वो लेडीज पतोहू बन के आ जाएगी। ये कहते हैं तकदीर, वकालत करते करते नाक में दम हो गया लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ये तो यह पढ़ाई लिखाई का काम है, देखिए मजिस्ट्रेट हो जाएगी। अब मिठाई दे के हम भी अपना बधाई दे दें कि पता नहीं कोई जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगी, चला जाए। बधाई हो, लीजिए। अरे तकदीर खुल गया, हम तो सुबहिये सुबहिये मुन्नीलाल के यहाँ गए, हम कहे कि ले आके पहले तो बधाई दे दे। अरे तू मुंह गिरा के बैठे हो, खबर नहीं मिला क्या? अरे तुम्हारी होने वाली पत्नी अब मजिस्ट्रेट हो जाएगी, पीसीएस क्वालिफाई कर लिया। तुम्हारा लौंडा तो इंटरव्यू फेल हो गया, हम छोड़े जा। अब भसु काका आप भी आ गए मजा लेने। टूट गई मेरी सगाई शादी। का क्या कह रहे हो? जब हम वकील बने थे तो उसके बाप रोते गाते आते थे सारे रिश्तेदारों को लेकर कि हाँ मुझे यही चाहिए। इंटर भी नहीं पास थे तब। अब आज उसका अब वो पीसीएस पास हो गई, शादी तुम्हारा शादी टूट गया? तोड़ दिया उसने। अरे कितने मेरे बैचमेट हैं जो पीसीएस हो गए, कहां पहुंच गए? गांव की अनपढ़ पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, उससे शादी करके रखे। अरे तुम कितना पैसा कौड़ी से उनका मदद किए, क्या कहते हैं तैयारी करवाए, कोचिंग करवाए। आप बताइए अगर मेरा पीसीएस में हो जाता तो कितनी पढ़ी लिखी थी वो। निभाता निभाते हैं लोग, लेकिन एक लड़की बताइए जो पढ़ी लिखी हो गई हो, पीसीएस में बहुत अच्छे पोस्ट पे हो गई हो और पति से शादी करी हो, किसी ऐसे असफल व्यक्ति से शादी करी हो। बात तो सही कह रहे हो, बहुत सफल आदमी है, पढ़े लिखे हैं और उनकी बीवियां अनपढ़ हैं, काम चल रहा है। रात दिन मैंने ये कर दिया। अब नहीं तकदीर में लिखा था मुझे मजिस्ट्रेट बनना, तो नहीं बना। सब सपोर्ट किया मैंने। तुम्हारी कहानी वो मिल रही है जो बन गई थी ना, वो पत्नी शादी के बाद मजिस्ट्रेट बन गई थी तो उसको छोड़ दी, दूसरा प्रेमी एक पाल ली थी टाइम पास करने के लिए। पढ़ाई लिखाई तैयारी हर चीज, नोट्स किताबें सब कुछ मैंने उसको दिया। क्या करोगे बच्चा, यह जीवन है, अब छोड़ो। ये तो हम मुन्नी लाल को दे देंगे, कह देंगे कि लड्डू बांट देना लड़कों में, कि इस तरीके से भारतवर्ष की नारियां। आज मेरी शादी, मुझे उसका अफसोस नहीं है काका, मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा भरोसा विश्वास उठ गया इस शादी के इंस्टीट्यूशन से। देखो हम तो यही समझे पढ़े कि जितनी भी नारियां हैं, देवी देवताएं हैं, उसमें देखो डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा जी के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी जी के पास, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी के पास, अन्नपूर्णा जी के पास है, फूड मिनिस्ट्री, तो ये सब शुरू से रही हैं इतना मानव कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए। चलो ठीक है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है तो हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। एक बार जाके जाइए काका आप, ठीक है, चलो चलते हैं।
जीवन में किसी से भी अपने आप को छोड़ के उतना प्यार मत करो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। शादी, जीवन साथ जीना मरना, ये रिश्ते नाते सब बेकार है। ठीक है, बस ससुर नहीं तो इतना भाव मारते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वकील साहब, प्रधान जी, अब बेइज्जती खूब होगी तुम्हारी।